हम वृंदावन यहाँ पे आए थे, इसने कहा मम्मी जो बिहारी जी से मिलना है। तो हम आए तो इसने बिहारी जी के पास चिट्ठी लिख दी। तो इसने कहा कि मम्मी अगर हम जल्दी आ गए, अगर कल आते बिहारी जी के चरण दर्शन होते। तो इसने जैसे ऐसे कहा उसी वक्त हमारे कान्हा जी के चरणों से जल निकलने लगा। अब दूसरे दिन जब मैं उठी तो मुझे हॉल में राधा की पायल मिली। इसका मतलब था कि राधा रानी रास रच रहे थे रात को। तो अचानक हमने देखा झूला झूल रहा है आधी रात को। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी लाल। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। राधा नाम रटे जोई तासे मेरो संग, राधा ही के चरण में मेरा रंग अभंग। ब्रज के संत कहते हैं जो भी राधा रानी के चरणों में अपना ध्यान लगाता है तो राधा रानी उसके ऊपर संपूर्ण कृपा बरसाती हैं और अपने धाम में बुला लेती हैं, चाहे वो देश में रहने वाला हो या हो परदेश में। हमारे साथ ऐसे ही भक्त हैं जिनका मन राधा रानी और कान्हा जी के ओर लग गया। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम महाराष्ट्र से हैं, पुणे। राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिया। जिया जी, आप भी महाराष्ट्र रहने वाली हैं? जी। महाराष्ट्र में आप क्या करती हैं? महाराष्ट्र में मैं पढ़ाई करती थी। जैसे मेरी 12th वहाँ हो गई, मुझे बिहार जी ने यहाँ पे धाम वास दे दिया। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो क्या शिक्षा आपने ग्रहण की है? शिक्षा अभी मेरी ऑप्टोमेट्री चल रही है, मतलब आँखों का जो डॉक्टर है वो। उसकी पढ़ाई कर रही हैं? जी। तो ऐसा क्यों सोचा कि आपको ये आँखों के डॉक्टर ही बनना है? आँखों का डॉक्टर मुझे इसलिए बनना है ताकि यहाँ पे बहुत सारे वृद्ध माता पिता है, यहाँ पे उनकी सेवा करनी है। वृंदावन में? वृंदावन में, वृंदावन में जैसे कैंप्स होते हैं वैसे कैंप्स लगाने हैं। आप बताइए, आप महाराष्ट्र की रहने वाली, ब्रज का सफ़र कब से शुरू हुआ आपका? ब्रज का सफ़र देखिए, जब लॉकडाउन था तब ऐसे हुआ कि मेरी सिस्टर की बेटी आई हुई थी हमारे घर पे, तो वो भागवत काफ़ी देखते हैं। तब हमें कान्हा जी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था कि उनकी सेवा कैसे की जाती है। तो जब वो आई तो उसने, मेरी बेटी है जिया, तो जिया को भी भागवत दिखाई, तो ये भी कंटिन्यू इसका भागवत देख देख के इसका इतना मन लग गया भागवत में कि वो बस उसके मन में, मतलब कान्हा जी बस गए। उसे ऐसा लगा कि मम्मी मुझे कान्हा जी चाहिए। तो मैंने कहा कि बेटा कान्हा जी तो ऐसे कैसे लेंगे, तो इसने बोला कि नहीं मम्मी मुझे कान्हा जी भाई के रूप में चाहिए, क्योंकि ये एक ही बेटी है मुझे, तो ये हमेशा कहती थी कि मुझे मम्मी भाई दो, भाई ला कर दो। तो इसे अभी जैसे पता चला कि कान्हा जी से रिश्ता बना सकते, तो इसने कहा कि मम्मी मुझे कान्हा जी भाई के रूप में चाहिए। तो फिर मैं तब मान नहीं रही थी, फिर इसने यशोदा मैया को मनाया कि यशोदा जी आप मैया आप ही मम्मी के मन में कुछ ऐसे डालिए कि मेरी मम्मी मान जाए। तो और सच में ऐसा हुआ कि मेरे भी मन में एक ममता जागी कि नहीं मुझे भी बेटा चाहिए, मुझे भी बेटे के रूप में कान्हा जी चाहिए। तब हमने वृंदावन में कान्हा जी का, मतलब एक शॉप में ऑर्डर किया और उनसे कहा कि हम खुद वृंदावन आएंगे कान्हा जी को लेने के लिए। फिर हम वृंदावन आए, वृंदावन में भी आए तो हम पहली बार आ रहे थे वृंदावन, इसके पहले कभी नहीं आए थे। हमें कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। तब जैसे कि कान्हा जी बिहारी जी हमें आ गए लेने के लिए, तो स्टेशन पे मेरी बेटी का इंस्टाग्राम पे किसी से पहचान हुई थी, यहाँ के ही रहने वाले ओमकार शर्मा करके, तो उन्होंने हमें बहुत साथ दिया। वो स्टेशन पर आए हमें लेने के लिए, हमारी सारी व्यवस्था यहाँ पर की रहने की, और वही हमें साथ में लेकर गए। कान्हा जी को हम लेकर आए और सारे मंदिर यहाँ पर बरसाना, नंदगाँव, सारे मंदिर घुमा कर फिर हम उन्हें पुणे लेकर गए। आप बताइए जिया जी, ये जो ठाकुर जी हैं आपके पास, राधा रानी और भगवान कृष्ण हैं, तो इनका क्या नाम आपने रखा है? इनका नाम मधुसूदन और मधुप्रिया रखा है हमने। तो मन में क्या क्या भाव था जब आपने इनका नाम इस तरीके का रखा? ये तो मेरी सिस्टर है, उन्होंने इनका नाम रखा है। तो आप इन्हें भाई के रूप में मानती हैं?
जी भाई के रूप में। जब से आप इनकी सेवा करना शुरू किया आपने, तो क्या क्या चमत्कार हुए आप दोनों के बीच में? हाँ जी, अब ऐसे था कि हमने कान्हा जी को लेकर आए हम, उसके बाद ऐसे हुआ कि ये कुछ टाइम के बाद इसने कहा कि मम्मी मुझे वृंदावन में ही वास चाहिए और मुझे अब आगे की जो स्टडी करनी है मैं वृंदावन में ही करूँगी, उधर ही मुझे आप कॉलेज में एडमिशन लेकर दीजिए। तो अब इसका ऐसे था कि साइंस इसने लिया था ट्वेल्थ में, लेकिन इसने अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई लॉकडाउन के कारण, तो इसके परसेंटेज अच्छे नहीं थे। तो मैंने कहा कि अभी आगे तो पता नहीं एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो इसने ऐसे किया कि हम वृंदावन आए, एक बार फिर हम वृंदावन यहाँ पे आए थे। इसने कहा मम्मी जो बिहारी जी से मिलना है, तो हम आए तो इसने बिहारी जी के पास चिट्ठी लिख दी कि बिहारी जी मुझे आप किसी भी हालत में यहाँ पर एडमिशन करवा दीजिए। ये ऐसे चिट्ठी लिखकर हम आ गए, पूना आ गए। अब पूना आए तब अक्षय तृतीया, कुछ दो दिन के बाद ही अक्षय तृतीया आने वाली थी। तो जैसे हम पूना आए तो इसने कहा, दूसरे दिन अक्षय तृतीया थी, तो रात को हम बैठे हुए थे तो इसने कहा कि मम्मी अगर हम जल्दी आ गए, अगर कल आते तो अक्षय तृतीया वाले दिन हमें बिहारी जी के चरण दर्शन होते। तो इसने जैसे ऐसे कहा उसी वक्त हमारे कान्हा जी के चरणों से जल निकलने लगा अपने आप। तो ये बहुत बड़ी लीला हुई हमारे साथ, हमने दर्शन किए उनके जल के, और वो हमने वीडियो भी निकाली है तो मैं बताऊंगी आपको। फिर ये बात हो गई, फिर इसने तो बिहारी जी के पास चिट्ठी लिखकर आई थी कि बिहारी जी मुझे पूना में एडमिशन चाहिए, तो उसके बाद क्या हुआ वो जी आपको बताएंगे। क्या हुआ था उसके बाद आपके साथ? उसके बाद मैंने जैसे ही बिहारी जी को चिट्ठी लिखी, मुझे सेकेंड डे मुझे ये सपना आया कि बिहारी जी कुंज गलियों में जा रहे हैं और उनके हाथ में एक चिट्ठी है और वो सबसे पूछते हुए जा रहे कि ये चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, मुझे मेरी बहन का एडमिशन करवाने जाना है। तो ये मेरे सपने में आया। तो जैसे मैंने ये सपना देखा उसके दो तीन दिन बाद ही मुझे यहाँ संस्कृति यूनिवर्सिटी से कॉल आया कि भाई आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ऑप्टोमेट्री कोर्स करना है, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार कॉलेज आ जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं कॉलेज गई, उन्होंने मतलब नीट लगता है, कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट लगता है, लेकिन मेरा लेकिन बिना नीट के बिना डोनेशन के मेरा एडमिशन सब हो गया वहाँ पे। जब आपका एडमिशन हो गया, ठाकुर जी आपके सपने में आए, तो मन में कैसा लग रहा था आपको? मन में एक अलग सी खुशी थी कि भी बिहारी जी ने खुद ने एडमिशन दिलाया है यहाँ पे, वो खुद मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। कभी ऐसा हुआ है जो आप सबसे ज़्यादा ठाकुर जी के बारे में सोचकर जो लीला आपके साथ ऐसी की हो कि आप बहुत भावुक हो गई हो, रोने लग गई हो, ऐसा कभी हुआ है? ऐसे तो नहीं हुआ, पायल की लीला हुई है। क्या हुई थी पायल की लीला? अब मतलब जैसे आपने कहा कि भावुक होके, तो वो जैसे खुशी के आंसू होते हैं वो ऐसे काफ़ी बार जैसे जल निकला था कान्हा जी के, तो हमारे एकदम आँखों से अरे कैसे हुआ ये क्या चमत्कार है, तो जैसे खुशी के आंसू जैसे बोलते हैं वैसे हमारे एकदम आँखों में आ जाते थे। अब ऐसे हुआ था कि जब ही कान्हा जी आ गए, कान्हा जी आने के कुछ टाइम बाद इसने कहा कि मम्मी मुझे इसको ऐसे फील हुआ कि मम्मी राधा रानी भी आनी चाहिए घर में, मुझे राधा रानी चाहिए। तो मैंने कहा कि बेटा अभी राधा रानी के थोड़ा सा आप रुक जाओ। तो इसने ऐसे कहा तो बार बार इसके मन में आ रहा था कि राधा रानी, और मुझे पता है कि इसके मन में कुछ आता है तो वो पक्का हो ही जाता है। फिर इसके मन में ऐसे इसको सपना आया कि एक ये हॉस्पिटल में खड़ी है और डॉक्टर है और उनके हाथ में ऐसा बलून है और वो बलून में पानी भरा हुआ है और वो डॉक्टर ने वो बलून को ऐसे पिन मारी है और वो पूरा नहीं इसके हाथ में दिया, बलून जिया के हाथ में दिया और वो बलून ऐसे फट के एकदम वो पानी बाहर निकला और उसमें से ऐसे एकदम बच्चा बाहर, उसने एकदम राधा रानी का रूप ले लिया।
इसको ऐसे सपना आया, और फिर बाद में इसने ऐसा देखा, फिर उसको फिर से एक सपना आया कि इसने मुझे सपना बताया लेकिन मैंने टाल दिया, ठीक है ऐसे इतना मन में नहीं लिया। फिर इसको सपना आया कि ये बीच में बैठी है और राधा यहाँ पे बैठी है, कान्हा जी बैठे हुए हैं और ये भागवत कर रही है। तो इसने मुझे बताया, मम्मी मुझे फिर राधा रानी का सपना आया, तो मुझे लग रहा है हमें राधा रानी को लाना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, फिर जैसे हमारा ग्रुप है काफ़ी बड़ा, तो मैंने उसमें डाल दिया कि हम सोच रहे हैं कि जैसे कान्हा जी का बर्थडे आने वाला था, 16 जून को हमारे कान्हा जी आए थे, तो जून में ही फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं हम कान्हा जी के बर्थडे पर राधा रानी उनको गिफ्ट दे। तो हमने ग्रुप में डाल दिया कि हम राधा रानी भी हमारी अब आने वाली है। फिर सभी भक्तों ने कहा कि हम भी सेवा करेंगे, तो सभी भक्तों ने मिलकर सेवा की, फिर राधा रानी हमारे घर पे आए। राधा रानी आए तो हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, कान्हा का बहुत बड़ा बर्थडे हमने मनाया था। फिर उसमें भी एक लीला हो गई कि हमने राधा रानी की डोली सजाई थी, एक डोली में बैठ के राधा रानी आई, और कान्हा जैसे दूल्हा दुल्हन के ये होती है सोफ़ा होती है हॉल में, वैसे हमने बनाया था। तो हमने कान्हा जी को हॉल में ही बिठाया था और राधा रानी को हम डोली से लेकर आ रहे थे, बैंड बाजा सब बजाते जैसे डोली आती है वैसे हम लेकर आ रहे थे भजन गाते हुए। तो कुछ हमारे साथ चले थे और कुछ उधर हॉल में ही बैठे हुए थे। तो जैसे हम राधा रानी को लेकर आए, तो जैसे हॉल तक हम पहुँचे तो हम वहाँ पे भजन नृत्य सब कर रहे थे। इतने में जो हॉल में बैठे थे उन्होंने देखा कि कान्हा जी एकदम डुल गए, गिर रहे बार बार, वो उठ के बैठे, उनको फिर से बिठाया लेकिन फिर वो ऐसे गिर रहे थे बार बार, फिर बिठाया फिर गिर रहे। तो फिर वो भाग भाग के जिया के पास आए और बोलने लगे कि कान्हा जी बैठ नहीं रहे आपके, वो बार बार गिर रहे। तो फिर जिया आई और वो लेकर आई उनको, और जैसे हम सब नृत्य कर रहे थे तो कान्हा जी को भी लेकर हमने नृत्य किया। फिर हमें समझ में आया कि देखो हम तो हमारे इसमें लगे हुए, लेकिन राधा और कान्हा आपस में बात कर रहे थे कि भाई मेरी डोली आ रही है, मैं इतनी शान से आ रही हूँ, तो आप अंदर क्यों बैठे हुए हो, आप भी मुझे देखने। और कान्हा को भी ऐसे लग रहा होगा कि हमारी मेरी राधा रानी आ रही है और इन्होंने मुझे अंदर बिठाया है, इसलिए किसी ना किसी बहाने उन्हें बाहर आना था राधा रानी को देखने के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसे लीला की, वो सोफ़ा पे बैठ नहीं रहे थे, बार बार ऐसे गिर रहे थे। फिर हम उन्हें, वो फंक्शन हो गया बहुत सुंदर तरीके से राधा कान्हा का, फिर राधा रानी हमारे घर पे आए। उसके बाद कुछ दिन के बाद जैसे बेडरूम में जिया राधा और कान्हा सोते थे, तो इसको आधी रात को अचानक ये रामचरितमानस पढ़ती थी, एक प्रभु जी इनको ऑनलाइन सिखाते, तो ये वो ही स्टडी कर रही थी, इतने में इसको अचानक पायल की आवाज़ आई, तो ये डर गई कि मुझे क्या आवाज़ आ रही है। फिर इसने ध्यान नहीं दिया, फिर थोड़ी देर से फिर पायल की आवाज़ आई, तो ये उठ के डर के मतलब मेरे पास आ गई, सीधा भागकर सो गई मेरे साथ आकर। तो मैंने देखा, फिर मैंने सोचा शायद डर गई होगी। अब दूसरे दिन जब मैं उठी तो मुझे हॉल में राधा की पायल मिली। अब मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने तो पायल उठा के रख दी। जब ये उठी तो मैंने इससे पूछा कि जिया क्या बात थी, रात को आप मेरे पास आ गए थे, डर गए थे क्या? तो बोलने लगी, मम्मी नहीं, मुझे ना पायल की आवाज़ आ रही थी बहुत, तो मैं मुझे डर लगा कि क्या हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे वहम हो रहा है। तो इसने क्या किया, रिकॉर्ड की, उसी वक्त रिकॉर्डिंग की कि मुझे वहम तो नहीं हो रहा, अगर वहम होता होगा तो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो मैंने इससे कहा बता, तो फिर हमने देखा तो पायल की आवाज़, और मैंने इसको कहा कि पायल, एक पायल तो मुझे राधा रानी की हॉल में मिली, इसका मतलब था कि राधा रानी मतलब रास रच रहे थे रात को, राधा और कान्हा दोनों रास रच रहे थे। आपके घर की बात है? हाँ जी, हमारे घर की बात, वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो हम आपको सुनाएंगे। तो ये एक लीला हो गई, तो इतना हमें आनंद आया कि अरे राधा रानी मतलब जैसे हमने सुना था कि राधा और कान्हा रात को निधिवन में रास रचते हैं, तो ये सच में है। हमने काफ़ी टाइम ये महसूस किया है कि ये रात को राधा और कान्हा रास रचते हैं। फिर ये एक लीला होने के बाद हम फिर उसके बाद वृंदावन आए। जून में हमारे साथ ये घटना घटी और फिर अगस्त में फर्स्ट वीक में ही हम वृंदावन आए। जैसे जिया ने कहा कि एडमिशन हो गई उसकी, तो इसकी एडमिशन होने के बाद फिर तो हमने वहाँ का सारा रेंट पे देके जो भी घर था यहाँ पे ही घर ले लिया और हम वृंदावन आ गए। अब वृंदावन आने के बाद
एक दिन ऐसा हुआ कि अभी राधा और कान्हा का हमारा काफ़ी बड़ा झूला है, वो दोनों झूले पे विराजमान रहते हैं। तो हम ऐसे सोए हुए थे तो अचानक हमने देखा झूला झूल रहा है, आधी रात को अचानक झूला झूल रहा था। वो हमने, क्योंकि हम पूना में थे तो झूला बाहर था, हम झूले पे उनको नहीं सुलाते थे, गैलरी हमारा गार्डन था, गैलरी में वहाँ पे था, तो हम उनको हमारे साथ सुलाते, अकेला नहीं सुलाते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे रूम में ही साथ में झूला था और वहीं हम सोए हुए थे, तब हमने देखा कि आधी रात को झूला अपने आप झूल रहा है। फिर हमने, लेकिन हमने वो वीडियो नहीं निकाली क्योंकि ये उनका पर्सनल है, हमने सोचा राधा कान्हा की ये लीला है, ये हम नहीं ये करेंगे। वो हमने देखा। फिर एक दिन मैं हम मार्केट गए, मार्केट में जाकर वहाँ पे अंगूर का सीज़न था, ठंडियों के दिन थे, अंगूर लेकर आई और बेर थे, तो मैं मार्केट से बेर लेकर आई। और हम जब भी यहाँ पे आए तो हम रोज़ बिहारी जी जाते हैं दर्शन के लिए, रोज़ बिहारी जी जाते हैं, तो हम जैसे लेकर आए तो मैं जब भी कुछ लेकर आती हूँ तो हमारे कान्हा राधा के सामने रख देती हूँ। तो मैंने ऐसे ही लाके रख दिया, और लेकिन मैंने क्या सोचा अंगूर थोड़ा धो लेती हूँ, तो मैं अंदर ले गई, अंगूर को धो दिया अच्छे से, और हमें बिहारी जी जाना था। तो इसने क्या किया, अंगूर का एक गुच्छा लिया और ये खाने के लिए ऐसे नीचे गद्दे पे बैठी, और राधा कान्हा झूले पे बैठे हुए थे। जैसे गद्दे पे बैठी खाने लगी तो मैंने इसको कहा कि जिया जल्दी चलो, बिहारी जी की आरती का टाइम हो रहा है। तो ऐसा सोचकर हम जल्दी से आरती के लिए, और जब भी मैं जाती हूँ तो कान्हा को बोलकर जाती हूँ कि कान्हा बेटा ध्यान रखना, हम जा रहे हैं बाहर, ऐसे बोलकर हम गए। और वहाँ पे हमें प्रसाद मिला बिहारी जी में, हम प्रसाद लेकर आए, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने खुद ने यकीन नहीं किया, जैसे हम अंदर आए देखा तो हमारे कान्हा जी झूले से नीचे उतर के नीचे गद्दे पे बैठे हुए थे, और उन्होंने अपने झोले में अंगूर लिए हुए थे, अपना पूरा ऐसा कपड़े फैलाए हुए और उसमें अंगूर लेकर बैठे हुए थे। अपनी आप ठाकुर जी लीला कर, अपने मैं इतनी हैरान, मैं जैसे मैं आई मैंने कान्हा को कहा, कान्हा कि बेटा देखो समोसा प्रसाद में मिला, ऐसे देखा तो कान्हा नहीं, देखा तो नीचे बैठे हुए। अब जिनका रेंट पे हम रहते थे उनकी कोठी आगे है और पीछे उन्होंने घर दिया हुआ है रेंट पे, और आगे उनका गेट है और सिक्योरिटी इतनी है कि उनके सारे कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे। तो मैंने उसी वक्त हमारे ओनर को कॉल किया और उनसे कहा कि कोई आया था क्या यहाँ पे, क्योंकि हमारे कान्हा जी झूले से नीचे है, हम तो झूले में बिठा के गए थे। तो उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं आया, आया तो कोई भी नहीं, क्योंकि उनकी बहुत कड़ी हमेशा रहती है, अंदर से लॉक रहता है। तो उन्होंने कहा फिर भी हम कैमरा चेक करते हैं। तो मैंने कहा आप प्लीज़ कैमरा चेक कीजिए, ज़रूर कुछ कोई आया, क्या हुआ है पता नहीं। तो उन्होंने कैमरा चेक किया, फिर बोला कि नहीं कोई नहीं आया था। तो वो ठाकुर जी ने लीला की, ठाकुर जी ने लिया। हम तो फिर जिया ने कहा कि मम्मी कान्हा जी तो 2 साल के हो गए, तो अभी वो चलना शुरू किया है उन्होंने, इसीलिए वो नीचे आकर बैठे हैं आराम से। इतना सुंदर श्रृंगार किसने किया है ठाकुर जी का? ये मैं और जिया हम दोनों मिलकर करते हैं, और ये सखी आई है हमारी, उन्होंने भी आज हमारे साथ उनका श्रृंगार किया है। तो मन में क्या भाव होता है जब आप श्रृंगार करती हैं? तो यही भाव होता है कि भाई बिहारी जी जैसे बिहारी जी सजते हैं वैसे इनको सजाना है। कितना टाइम लगता है इन्हें सजाने में? सजाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये ऐसे होता है कि इनको जो पसंद है वो वही धारण करते हैं। अगर मैं कुछ दूसरा इनको मैं डालूं तो वो ठीक से पहनेंगे नहीं, गिरा देंगे, निकाल देंगे। तो हमें बार बार चेंज कर करके देखना पड़ता है, ज्वेलरी भी कौन सी अच्छी लग रही है, नहीं ये नहीं अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। तो ऐसे कर करके इनको हमें पूरा रेडी करना, जो इनको पसंद है वो वही पहनते हैं। भोग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को? हमारे लड्डू गोपाल तो आलू और पूरी उनको बहुत पसंद है, और खीर वो बहुत प्यार से खाते हैं, और राधा रानी को भी यही सब जो कान्हा जी खाते हैं वही उनको भी पसंद है, वही खाते हैं। आपने कई चमत्कार बताए इनके, लेकिन जब से आप इनकी सेवा कर रही हैं, हाँ जी, तो कितना जीवन आपका बदला? जीवन तो मैं आपको बताऊं, जब से हमारे कान्हा जी आए मुझे आज तक कोई ऐसा प्रॉब्लम, जब भी मैं किसी तकलीफ़ में आती हूँ उसके पहले ही ये समाधान निकाल देते हैं।
जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हमें वृंदावन आना था, देखो हम तो मीडियम सोसाइटी से हूँ, हम कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं, तो जब हमें वृंदावन आना था तो ये आसान नहीं था कि पूरा हमारा वहाँ का पूरा छोड़ के पूरा वृंदावन में वास करना, ये हमारे लिए आसान नहीं था। बहुत से पैसे की हमें फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुआ। तब मैंने कान्हा जी से कहा कि कान्हा जी हम कैसे जाए, जिया तो बोल रही है लेकिन कैसे करें, क्योंकि हमें वहाँ से मूवर्स एंड पैकर्स में सामान लाना, उनके चार्जेस इतने, सारा इधर एडजस्ट करना, घर लेना, डिपॉजिट देना। सच कहूँ तो फाइनेंशियली हमारी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, देखिए इस टाइम पे तो रिश्तेदारों से भी हम इतनी उम्मीद नहीं कर, लेकिन हमारे कान्हा जी ने हर चीज़ इतनी आसान कर दी कि मेरे सामने हर चीज़ ला के रख दी कि लो मम्मी आपको कुछ चीज़ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कैसे किया वो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इन्होंने मेरे सामने हर चीज़ ला के रख दी। अब जब भी आप बाहर जाती हैं, कहीं जाती हैं, ठाकुर जी को अपने साथ में ले जाती हैं? हाँ जी ज़रूर, हम उनको साथ में लेकर जाते हैं। काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि आप ठाकुर जी को साथ में क्यों लेकर जाते हो, आप उनको खिलौना समझते हो, लेकिन देखिए मैं ये कहती हूँ कि खिलौने तो हम हैं, हम तो इनको क्या खिलौना हम बोल सकते हैं, हमारी तो उतनी औकात भी नहीं, खिलौना तो हम हैं इस दुनिया के तो, और इनकी इच्छा के बिना तो कुछ नहीं होता। देखिए अगर ये बाहर जाके भक्तों से मिलकर, इनको इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, ये काफ़ी खुश होते हैं। और अगर हम कुछ गलत करते कि भाई इनको लेकर जा रहे हैं ये गलत है, तो हमारे साथ भी गलत होता, हमें कुछ ऐसी फीलिंग आती कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ गलत। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने ठाकुर जी की लीला क्यों बताते हो, तो देखिए अगर मैं ये सोचूं कि ठाकुर जी की लीला मैं क्यों बताती हूँ लोगों को, तो हम जो बोलते हैं इससे काफ़ी लोग जो नास्तिक है जिनको नहीं पता कि है थोड़ी ठाकुर जी ऐसे करते हैं, ये तो मूर्ति है, लेकिन जब हम बताते हैं तो काफ़ी लोग उससे इंस्पायर होते हैं, काफ़ी लोगों की विश्वास कान्हा जी के प्रति बढ़ गया है और वो उन्हें अभी मूर्ति नहीं मानते। और अगर हम ऐसा सोचते तो फिर जो हरिदास जी थे, जिन्होंने स्वामी जी जो थे, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, जो बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया है, अगर स्वामी जी ये सोचते कि सिर्फ, देखो लीला तो स्वामी जी के साथ बिहारी जी करते थे, अगर ये स्वार्थ होता स्वामी जी का कि नहीं मैं लीला सबको क्यों बताऊं, तो अगर वो प्रकट नहीं करते हम लोगों के लिए, तो आज हमें बिहारी जी नहीं मिलते, है ना। तो ये भी तो स्वामी जी ने उनकी लीला सबको बताई, उनको प्रकट किया, तब हम बिहारी जी के दर्शन कर पा रहे, और बिहारी जी का मतलब उनकी कृपा सब पर बनी हुई है। तो ये मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। कोई भजन आपको याद हो जो ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा सुनाती हूँ आप दोनों, कोई सुना सकते हैं? हाँ जी एक भजन है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं हमेशा इनको सुनाती हूँ। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी लाल, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे राधे। राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रहीं ये भक्त जो महाराष्ट्र में रहती थीं, अब महाराष्ट्र छोड़कर वृंदावन आ गईं। वृंदावन में ऐसा मन लगा कि ठाकुर जी ने इन्हें पकड़ लिया, इनके जीवन में कई चमत्कार हुए, इन्होंने अपने साथ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को रख रखा है, और इनको अपने बेटे और बहू के रूप में मानती हैं, सेवा करती हैं, और कहना है कि जब से ये रखे हैं तो पूरा जीवन ही बदल गया, कई चमत्कार हुए, और जो भी इनसे मांगती हैं वो हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये भक्त की भाव की बात होती है, अगर ठाकुर जी में मन लग गया तो सब कुछ बदल ही जाता है। राधे राधे।